हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैशाली और आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है हमारा एक काफ़ी जो है लंबा टॉपिक है, तो उसको हम जो है हमने उसके पार्टीशंस कर दिए हैं, हम पार्टीशन में उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है पेडिग्री एनालिसिस, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो देखिए हमारा क्या है पेडिग्री। पेडिग्री में क्या होता है, देखिए एक तरह से इसका मतलब हम ले सकते हैं पीढ़ियों में, यानी पीढ़ी में। एनालिसिस मतलब हम किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज़ बीन प्रीवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम से पता है कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कोई कमी होती है, वो क्या होती है कि वो इनहेरिटेड भी हो सकती है। यानी कि कुछ डिसऑर्डर्स यानी कमियां ऐसी होती है शरीर में जो इनहेरिटेड होती हैं, यानी हमें हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती हैं, और ये जो है काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिलीज। तो क्या होता है कि कुछ फैमिलीज में क्या होता है, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपके हेरिटेबल होते हैं, यानी कि वो जनरेशन टू जनरेशन जो होते हैं मूव करते हैं, और उसकी वजह से जो होते हैं ये डिसऑर्डर्स होते हैं। And after the rediscovery of Mendel's work, the practice of the analyzing inheritance pattern of trait in human being began. देखिए जब हमने rediscovery करी थी Mendel की, क्योंकि देखिए Mendel का जो work था वो starting में क्या था, वो accept नहीं किया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या है, जब rediscovery हुई दोबारा से, जब जीन के बारे में हमें पता चला, genetics जो है और उसके बारे में हमने study की, तो Mendel की rediscovery हुई उसी के सारे लोगों की, तब क्या हुआ कि इसको analyzing करना और easy हुआ और उसके ऊपर और works हुए और work किए गए। And since it is evident that control crosses that can be performed in पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, यानी कि जैसा उसने पी प्लांट के साथ किया या किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ जो कंट्रोल क्रोसेस करे जाते हैं, ऐसा ह्यूमन बींग के केस में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। यानी क्या होता है कि अगर हम किसी कोई भी फैमिली है उसकी एक हिस्ट्री को स्टडी करें और उसको जो है जनरेशन टू जनरेशन उसके बारे में स्टडी करते जाएं, तो हमें जो है कुछ और ही देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक कंट्रोल पैटर्न में नहीं होती है। एंड सच एन एनालाइजिंग ऑफ ट्रेट इन अ सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम कोई भी फैमिली को जो है स्टडी करते हैं, कैसे उसके ट्रेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, और उनसे जो है फैमिलीज में क्या क्या आपको जो है देखने को डिसऑर्डर्स या कमियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। इसमें क्या होता है कि पेडिग्री एनालिसिस में जो भी आपका इनहेरिटेंस या कह सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर आपका मूव कर रहा है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, उसको जो है रिप्रेजेंट करा जाता है फैमिली ट्री से। और फैमिली ट्री कैसे बनता है वो हम अभी बताएंगे आपसे, कैसे होता है कि भाई आपका स्टार्टिंग में कैसे पेरेंट्स होते हैं, उससे फिर आपके जो है उनके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होते हैं, देन नेक्स्ट जनरेशन आती है, तो कैसे एक फैमिली ट्री बनता है। अब देखिए इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट अबनॉर्मलिटी और डिजीज। अच्छा क्या है कि इसका एक तरह से कह सकते हैं कि हमें एक यूज भी है इसे जेनेटिक्स में, कैसे कि क्योंकि हम अगर स्टडी करते हैं तो किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट के यानी कैरेक्टर के बारे में, अबनॉर्मलिटी के बारे में या फिर किसी डिजीज के बारे में जो हम पहले से पता लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये डिजीज या अबनॉर्मलिटी हो सकती है। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सिम्बल यूज इन द पेडिग्री एनालिसिस एंड हैव बीन शोन इन फिगर 5.13। नेक्स्ट पेज पे आपका 5.13 फिगर है, उसके बारे में हम बताएंगे। वहां पे कुछ सिम्बल्स यूज करे जाते हैं फैमिली ट्री बनाने में और पेडिग्री एनालिसिस करने में। अब देखिए एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन। यानी कोई भी आपका जीन हो, कोई भी सॉरी ट्रेट होता है, कैरेक्टर होता है, वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, जीन के थ्रू। यही यूनिट भी है आपकी जेनेटिक्स की। अच्छा जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं, डीएनए के ऊपर, और डीएनए की सुपर कोइलिंग से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो कह सकते हैं क्रोमोसोम जो है उस डीएनए से मिलकर बना है, और डीएनए पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन होते हैं प्रेजेंट, और डीएनए ही जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर भी है, हम ये भी कह सकते हैं। इट इज हैंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्ट्रेशन। यानी जो डीएनए होता है वो बिना किसी चेंज यानी किसी ऑल्ट्रेशन के क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में
मूव कर रहा है, लेकिन चेंजेस तो कुछ ना कुछ जरूर आते हैं, तभी तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन पहले वाली से कुछ अलग होती है। लेकिन जो कुछ चेंजेस होते हैं वो ओकेशनली होते हैं, और क्या होता है कि इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जेनेटिक मटेरियल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। एक्चुअली जो म्यूटेशन वर्ड होता है वो सडन चेंजेस, यानी अचानक से कोई बड़ा चेंज जब देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूटेशन। अदरवाइज तो चेंजेस आते ही हैं, नेक्स्ट जनरेशन में चेंज जरूर आएगा, तभी वो आपको जो नेक्स्ट जनरेशन होगी पहले वाले से कुछ अलग होगी। लेकिन जो सडन चेंजेस होते हैं और कुछ बड़े चेंजेस होते हैं उनको हम म्यूटेशन में कह सकते हैं। जैसे आप अगर अचानक से कोई चेंज देख रहे हैं अगली जनरेशन में तो उसको म्यूटेशन कहेंगे। एंड अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और अल्टर्ड जीन्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होता है कि भाई जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि कुछ बीमारियां हैं एक तरह से कह सकते हैं, या कुछ इस तरह की कमियां हैं जो किस तरह जो अगर जीन में चेंजेस आते हैं क्रोमोसोम के, तो उसके थ्रू ही वो होती हैं, और उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। फिलहाल जो है हमारे यहाँ पे कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया, हमें एक स्क्वायर दिखाया गया है, ये क्या है आपका मेल को डिनोट करता है। जब हम आपका कोई भी पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तो उसमें इसको यूज कर सकते हैं कैसे आपका होता है। नेक्स्ट आपका एक राउंड फिगर दी हुई है, ये क्या डिनोट करती है, फीमेल को। एक आपकी इस तरह की फिगर दी हुई है, तो ये क्या होती है कि अनसेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी कि अगर हमें नहीं पता है कि बॉय है या गर्ल है और हमें सिर्फ एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को शो करना है तो इससे शो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम रेड कलर को शो कर रहे हैं तो ये क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, यानी इनमें कोई भी डिसऑर्डर्स आपका देखने को हमें मिला है। नेक्स्ट क्या है, हमें ये चीज शो करती है मेटिंग को मेल और फीमेल के बीच में। नेक्स्ट क्या है, अगर डबल आपका है तो ये क्या है, कंसंजनियस मेटिंग दिखाई गई है, संजाति यानी एक ही जाति में मेटिंग दिखाई गई है। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए ये आपका क्या एक तरह से बनाया गया, ट्री की स्टार्टिंग की गई है, पेरेंट है, और ये क्या है, नेक्स्ट आपकी जनरेशन दिखाई गई है, इसको क्या बोलते हैं, ये पेरेंट है, और ये बिलो में नीचे क्या दिए हुए हैं, इनके चिल्ड्रन है। अब देखिए ये क्या है, इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट, यानी फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी है, इस टाइप से आपकी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज। अब ये पेरेंट है ये नॉर्मल थे, लेकिन जो चाइल्ड है वो क्या है, अफेक्टेड है, क्योंकि इसको रेड कलर से शो किया गया है। नेक्स्ट आपका इस तरह की फिगर दी है और में 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे आपका सेक्स में नहीं पता होता है कि मेल है या फीमेल है, 5 लिखा है, यानी कि ये अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स है 5। तो ये हमारा पेडिग्री एनालिसिस का एक जस्ट एक आपका इंट्रो था, बताया था होता क्या है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम, तो तब उसमें हम क्या है, इस तरह के डिसऑर्डर्स में किस तरह से मूव करता है पेडिग्री एनालिसिस में आपका कोई भी डिसऑर्डर है वो हम पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।